देखिए उसमें हमने फीस रखी बच्चों की, और उसमें जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 से कम है उनके लिए हमने फ्री रखा है, उनसे हम कोई फीस नहीं लेंगे। बाकी के लिए हमने उससे ज़्यादा उनसे नॉमिनल से फीस ली है। अभी जो परिवार पहचान पत्र बढ़ा तो इसमें काफ़ी डिटेल के साथ काफ़ी क्लियर उसका पता चलता है कि आदमी की आमदनी कितनी है। उसको हमने छूट दी है कि जो लोग जिनकी आमदनी 1,80,000 रुपये साल से कम है उससे कोई फीस नहीं है। क्योंकि अभी हमारे ज़िले में 6 स्कूल हैं इस प्रकार के, पहले एक बिलासपुर में होता था, अभी 5 स्कूल अभी और खुले गए हैं, और पूरे हरियाणा में पहले 22 थे अब 136 हैं। नहीं गोद तो नहीं कहा हमने, लेकिन उसकी देख रेख वो करेंगे, इसलिए हमने जो HS अधिकारी हैं हमारे और उस लेवल के अधिकारी हैं तो उनसे सभी से कहा है कि एक एक स्कूल की देख रेख वो करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हमने एक टारगेट रखा कि 2025 तक हमने ही शिक्षा नीति को लागू करेंगे तो उसकी तरफ क्या भी हमारा पूरा प्रयास है। और एक नया जिस प्रकार से हमने शुरू किया, पहले इसमें केवल 22 थे और अब जैसे मैंने बताया 136 बढ़ गए हैं, तो उनकी व्यवस्था ठीक से हो सके, ठीक से चल सके। तो एक बड़ा अधिकारी है, अगर वो थोड़ा टाइम भी लगाएगा तो मैं समझता हूँ जो कहीं कमियाँ रहती हैं उनको जल्दी से और आसानी से ठीक कर लिया जाए। देखिए ऐसा जो एक विरोध प्रदर्शन है ऐसा करने का सबको राइट है, तो किसान नेता हैं वो इस प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं, वार्तावरण का निर्णय लेते हैं तो वो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। बस मेरा तो यही है कि शांतिपूर्वक होना चाहिए, और अगर लोग आपकी बात से सहमत हैं, बंद करना चाहें तो निश्चित तौर से वो होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए और किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि जिससे कोई अशांति फैले। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। देखिए तो हर साल जिस प्रकार से खरीद होती है और हर बार जिस प्रकार से हमने हर बार बढ़ा के खरीद की, जब से भी आदि मनोहर लाल जी की सरकार बनी तो हर बार बढ़ा के खरीद कर देंगे, मतलब हर बार खरीद बढ़ गई और इस बार भी पूरा धान खरीदा जाएगा, किसी प्रकार की कोई मुश्किल किसान को नहीं आती है। पंजाब ने जहाँ पिछले बहुत लंबे टाइम से हमारे से बहुत कम रेट दिया, पहले भी बहुत पुरानी बात है कि पंजाब का हमारा रेट बराबर ही होता था, कभी 1-2 रुपए का फर्क होता था, लेकिन आज की डेट में भी हमारा ही रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है, पंजाब से ज्यादा आज ही हम है। और पिछली फसलों का जो रेट है जो हमने किसान को दिया वो पंजाब से काफी ज्यादा था, क्योंकि अब पंजाब में चुनाव है तो पंजाब ने थोड़ा ज्यादा दमखम दिखा के थोड़ा उन्होंने रेट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हमारा ही रेट ज्यादा है। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।